हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल। अच्छा, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये है पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का समय 3 घंटे 15 मिनट, कक्षा 12 का पेपर है, भौतिक विज्ञान का, पूर्णांक 70 नंबर। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं पेपर की तरफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आवेश, एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10^17। नेक्स्ट ऑप्शन 6.25 × 10^18। सी ऑप्शन 6.25 × 10^14। डी ऑप्शन 6.6 × 10^14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E=0 वाले वैद्युत क्षेत्र के विभव बी का दूरी आर के साथ परिवर्तन होगा। ये ऑप्शन बी वेक्टर 1/r, बी ऑप्शन बी वेक्टर आर, सी ऑप्शन बी वेक्टर 1/r² डी ऑप्शन है बी आर पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत वैद्युत द्विध्रुव का कोण 180 अंश द्वारा कृत कार्य होगा। ए ऑप्शन 2PE, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन PE, डी ऑप्शन -PE। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए के पावर एन जी बराबर ए के पावर एन डब्ल्यू गुड़े डब्ल्यू के पावर एन जी, बी ऑप्शन ए के पावर एन जी बराबर ए के पावर एन डब्ल्यू अपान ए के पावर एन जी, सी ऑप्शन ए के पावर एन जी बराबर ए के पावर एन डब्ल्यू गुड़े ए के पावर एन जी, डी ऑप्शन ए के पावर एन डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू एन जी गुड़े ए एन जी बराबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है। ये ऑप्शन केवल प्रिज्म कोण पर, बी ऑप्शन प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक पर, सी ऑप्शन केवल अपवर्तनांक पर, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारदर्शी पदार्थ के अपवर्तनांक का दृश्य प्रकाश के नियम किस रंग के लिए सबसे अधिक और किस रंग के लिए सबसे कम होता है। स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु कहाँ स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख करें जो प्रकाश की तरंग की प्रकृति को पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र एवं मात्रक लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम लिखिए। किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर देना है इसमें से। तो पहला क्वेश्चन है, एक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अपवाह वेग को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संधारित्र C1, C2, C3 के लिए श्रेणी संयोजन हेतु तुल्य धारिता का सूत्र निगमित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, विभव प्रवणता को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस के परिमेय क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम के वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें से किन्हीं चार क्वेश्चन को करना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। स्नेल का नियम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र सहित स्पष्ट कीजिए कि उत्तर लेंस किस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी होगा। अब बी ऑप्शन प्रतिबिंब वस्तु से बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइगेंस के द्वितीय तरंग का की सिद्धांत की कमियां बताइए। तो इसमें से किन चार प्रश्नों को करना है। तो पहला क्वेश्चन है, A1 A2 आयाम की तरंग पर अध्यारोपित होती है, परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए, उनके बीच कलांतर होगा। ऑप्शन ए π/2, ऑप्शन बी π। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु से 7 सेंटीमीटर
की दूरी पर है। दूर स्थित वस्तु से स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी की शक्ति की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 माइक्रोकूलाम के बिंदु पर आवेश 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु ए व बिंदु बी के बीच दिए गए परिपथ की तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण 5 माइक्रोकूलाम के दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु को 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अच्छे स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि दो क्वेश्चन को करना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य एवं उसका व्यंजन का निरूपण कीजिए, अथवा किसी द्विध्रुव की अच्छे स्थिति एवं वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस मेकर के सूत्र को सत्यापित कीजिए अथवा करके। फिर नेक्स्ट दिया गया है, निकट दृष्टि दोष के कारण निवारण चित्र सहित स्पष्ट करें। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आप लोगों तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अपने 5 दोस्तों में शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।